केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के मेडिकल स्टोर्स के भारत बंद का असर सिद्धार्थनगर जिले में पूरी तरह से दिखा। शुक्रवार को केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सिद्धार्थनगर के बैनर तले जिले के दवा व्यवसायी जनपद मुख्यालय पर इकट्ठा हुए और हाथों में काली पट्टी बांधकर सरकार द्वारा ड्रग एक्ट में संशोधन और ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। इसी बीच जनपद मुख्यालय सहित पूरे जिले में दवा की सारी दुकानें पूरी तरह बंद रही और मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। न्यूज फ्रीडम के लिए सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान की रिपोर्ट। साथियों, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। केमिस्ट सही हित की बात करेगा, जो व्यापारी हित की बात करेगा। सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के काले कानून के खिलाफ ये हमारा आज का अखिल भारतीय बंद है, जिसमें केंद्र सरकार ने ड्रग एक्ट में संशोधन करके ऑनलाइन फार्मेसी चलाने वाली छुटपुट कंपनियों को नोटिफाइड कर दिया और उनका रास्ता हमवार कर दिया कि वो पूरे भारतवर्ष में दवा व्यवसाय पे कब्जा कर सकें। दवा व्यवसाय जिसमें हमारा जो है परिवार संचालित होता है, पूरे भारतवर्ष में 6 लाख दवा के व्यवसायी हैं जिनका परिवार और उनके कर्मचारी इसी व्यापार के माध्यम से अपना पेट पालते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में ये अखिल भारतीय बंदी हुई है और पूरा प्रदेश बंद है, हमारा जिला बंद है सिद्धार्थनगर। इसमें केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जो नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने इस काले व्यापार को, ऑनलाइन व्यापार को लीगलाइज किया है, उसको प्रतिबंधित करें। मांगे न मानने की स्थिति क्या करेगी? मांगे न मानने की स्थिति में आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार ने सुनवाई नहीं किया तो अनिश्चितकालीन की बंदी की नौबत आ सकती है। अभी प्रदेश सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि फार्मासिस्ट की समस्या हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा है। जितने रिटेल के लाइसेंस हैं उनके सापेक्ष फार्मासिस्ट की कमी है, उस कमी को सरकार पूरा करे, जिससे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर की आखिरी डेट दी गई है, उस समय तक सारे दवा की दुकानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। फार्मासिस्ट के मुद्दे पर प्रदेश सरकार से अपील है कि वो फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करावें।